हाय यूट्यूब, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, अभी तक मैंने 1600 से ऊपर वीडियोस अपलोड किए हैं और मुझे तकरीबन 35,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और करीब 2 करोड़ लोगों ने मेरे वीडियोज को देखा है अभी तक। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 42,000 से ऊपर लोगों ने मेरे पास एनरोल किया है कोर्सेज के लिए और तकरीबन 65,000 लोगों ने मेरे अभी तक डीवीडी को परचेज किया है। मैं इस प्यार के लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और टुडे आज जो है वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ डिस्कस करने जाएंगे कंडीशंस के बारे में। आज हम आपको कंडीशंस के बारे में समझाएंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहे अंत तक। और कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आएगा, उस नंबर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट में अगर आप लिखते हैं आपके क्वेश्चंस को, तो मैं रिप्लाई करने में टाइम लूंगा, क्योंकि 1800 वीडियो पर डे तकरीबन 6 से 7 हजार कंप्लेन आता है, सॉरी कमेंट्स आते हैं। 7,000 कंप्लेंट्स को देखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अकेले वन मैन आर्मी के लिए। तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं कॉल पर जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप रिस्पॉन्स करूंगा। तो अकबर आलम जी आ चुके हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अकबर आलम जी, हेलो अकबर आलम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो आज की सेशन में क्या सीखेंगे सर? लास्ट सेशन में क्या पढ़ाया था आपको मैंने? सेशन में सिखाया था आपने एक तो जोर से बोलिए, मुझे तो आवाज आपकी बड़ी स्लो आ रही है। अच्छा, लास्ट क्लास में ये सीखा था कि एक वर्कबुक में कई सारे शीट जो है, हाँ, वो शीट्स के डिटेल्स को एक डेटा मास्टर डेटा पे हम पेस्ट, हाँ, करते हैं। ओके, तो हमने अभी तक आपकी कंडीशन तो नहीं पढ़ाई है ना, इफ का फॉर्मूला? नहीं, वो नहीं किया अभी हम। ओके, तो बेसिकली वो लूप का एक प्रोजेक्ट था, क्योंकि टाइम टू टाइम एक प्रोजेक्ट देते थे, तो जो मैंने कराया था लूप का प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करें। जी ठीक है, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशंस, इफ कंडीशंस। क्लास स्टार्ट करने से पहले अकबर जी, मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास अगर प्रीवियस क्लासेस से कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ, प्रीवियस क्लास में जो 2-3 जो आपने शीट बनाए थे इफ कंडीशन, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आप आने वाले क्लास में आप जो बताएंगे शायद उसमें कवर हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि जो आपने बताया था उसमें तो कोई डाउट नहीं था। नहीं, उसमें तो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे जो कि आपको करने हैं ना सर। हाँ, सब काम मैं ही कर दूंगा, फिर आप क्या करेंगे? हम प्रैक्टिस करेंगे ना सर, जो आप बताएंगे प्रैक्टिस ही करेंगे, कुछ एक्सप्लोर भी तो कीजिए। हाँ, एक्सप्लोर तो करना ही है, ठीक है ना, एक्सप्लोर कीजिए, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ जरूरी थोड़ी उसी तरह की चीजें आपको ऑफिस में प्रॉब्लम मिले, कुछ नई प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। हाँ जी, क्योंकि मेरी नॉलेज आप लोगों की क्वेश्चंस के ऊपर है। करेक्ट। ओके, तो आज हम फिर आपके साथ बात कर रहे हैं फॉर्मूला की, इफ कंडीशंस की। जैसे कि हमने आपको एक्सेल में आपने पढ़ा होगा इफ कंडीशंस, और इफ कंडीशंस से रिलेटेड बहुत सारे चीजें हमने बताया जी। तो एक दो सिंपल इफ कंडीशन तो मैंने बताया ही था, लेकिन इससे आगे भी हम आपको बताएंगे कि हम वीवीए में किस तरह से इफ फॉर्मूला का, इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सिर्फ वीवीए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाते हैं तो इफ कंडीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इफ फॉर्मूले के बगैर आप किसी भी प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं कर सकते, वो सिंपल एक रह जाएगा। एक्सेल से ही अगर इफ को हटा दीजिए तो फिर बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे काम जो है फट जाएंगे। तो ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि इफ जो है कंडीशन चेक करता है और कंडीशन के बिहाफ पे वो अपना रिजल्ट देता है, समझे जी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी।
तो यहाँ हम डेवलपर में आते हैं, विजुअल बेसिक इंसर्ट मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंडीशंस के ऊपर, तो मुझे जस्ट यहाँ पे क्या करना है कि जो ग्रेटर देन 50 है उस पे 1000 शो करना है। मेरे पास सिंगल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट्स है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देंगे फॉर्मूला, इफ रेंज ए, यहाँ पे A1 से स्टार्ट है, हाँ A1 से, A1 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन 1000, राइट। इफ रेंज A1 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन 1000, नहीं यहाँ पे गो टू गो टू 1000 न्यू होगा, यहाँ पे लिखेंगे रेंज बी B2 वन डॉट वैल्यू ओके इक्वल टू 1000। तो ठीक है इसमें आपको एंड इफ लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कंडीशन आपको जब ज्यादा हो लेकिन रिजल्ट एक ही होना चाहिए। अगर मैं रिजल्ट को चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि भाई अगर लेस देन 50 है तो उसके लिए मैं यहाँ पे 100 दूँ, राइट, तो हाँ जी यहाँ पे एल्स लगेगा, तो इस कंडीशन में भी मुझे इसको लूप लगाना होगा लूप, लूप तो लगाएगा ही, लूप तो अलग चीज है, कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इसको लूप तो आप कर ही लोगे, यहाँ पे इसको नीचे ब्रेक करना पड़ेगा और एल्स लगाना पड़ेगा, एल्स ओके हाँ फॉल्स पार्ट में, और यहां पे हमने 100 दे दिया, और यहां पे फिर मुझे एंड इफ करना, ठीक ठीक है है। तो ठीक है आप एक लाइन में इफ फॉर्मूला को कब लिखोगे, जब आपके पास सिंगल है सिंगल रिजल्ट है। ठीक है अगर डबल डबल रिजल्ट है तो एल्स में है तो एल्स लगाओगे, एल्स में नहीं है तो मैं चाहता हूं कि कलर भी कर दो, राइट। ठीक है तो उस केस में भी हमें क्या होगा कि इसको तोड़ना पड़ेगा, यहां पे RR स्लैश 1 कर दिया, और मैं यहां पे इसको यहां से नीचे तोड़ूंगा और लिखूंगा कि रेंज A1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड, और उसके बाद यहाँ पे एंड करना। तो एंड इफ जरूरी नहीं है कि जो आपके पास एल्स हो तभी करो, एंड इफ हम तब करते हैं जब हमारा जो मतलब कि जो हमारा इफ जो है मोर देन वन लाइन में आता है। जी वन लाइन में कब आता है, जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस होते हैं, एक से कम कंडीशंस हैं तो वन लाइन में देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सही बात है ठीक है सर। ठीक है ये रिकॉर्ड का ऑप्शन जरा ऑन कर दीजिए ना आप ओके आप भी, अच्छा मैं रिकॉर्डिंग, हाँ है ना मैं यहाँ अलाउ कर दूंगा तो आप भी रिकॉर्ड कर दो, जी जी चलिए ऐसे ही हमारे एक क्लास यूट्यूब पे जाएगी तो यूट्यूब पे थोड़ी बात दिख सकता है। जी ठीक है अब इसमें तो आपने क्या हुआ, आपने भी देखा कि पहला देखा आपने कि सिंगल कंडीशंस के लिए सिंगल कंडीशन सिंगल रिजल्ट, देखा आपने एल्स कंडीशंस, जी और आपने देखा सिंगल कंडीशन बट डबल रिजल्ट, ये जी दो पे आप अप्लाई कर लिए। अब बात करते हैं रिजल्ट डबल मल्टीपल कंडीशन रिजल्ट इन द बिटवीन, मतलब कि मैं यहाँ पे 85 टू 95, 85 से 95 पे मैं 800 रुपया देना चाहूँ, इसके लिए क्या कंडीशन लगाऊंगी। चलिए अब यहां पे हम लिखेंगे
यहाँ पे इफ रेंज A1 डॉट वैल्यू, अब जब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप वेरिएबल्स भी ले सकते हैं यहाँ पे। अच्छा dim r as a मैंने दे दिया यहाँ पे long, और फिर r इक्वल टू दिया मैंने रेंज A1 डॉट वैल्यू। कंडीशन होगा कि इफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 देन, और यहाँ पे n लगाएंगे r इज लेस देन इक्वल टू 95 देन, अब सिंगल रिजल्ट है तो मैं इसी के आगे लिख दूंगा रेंज v1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 8। ठीक है, लेकिन अगर पूरे कॉलन के लिए चाहते हैं ना कि आप पूरे कॉलन पे चले तो फिर आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है सर जी, लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा सर इसमें, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ जी, चलिए तो इसमें आपने मल्टीपल कंडीशन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहां पे डेट लिख रहा हूं, डेट लिखा, अब मुझे यहां पे सैटरडे हो तो वीकेंड आना चाहिए, संडे हो, सैटरडे या संडे हो तो वीकेंड होना चाहिए। अब यहां पे मैं एंड नहीं लगा सकता क्योंकि एंड में क्या होता है कि सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, अगर सारे कंडीशन फुलफिल नहीं है तो दिक्कत हो। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए यहां पे हम और कंडीशन लगाएंगे, सब्जेक्ट RR/3 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मैं यहां पे दूंगा, सबसे पहले तो मैं यहां पे dim r as a string कर लेता हूं, तो टेक्स्ट है इसके लिए, ठीक है, और r इक्वल टू, अब यहां पे पॉलर ने कि मुझे सैटरडे एंड संडे दोनों चाहिए, हाँ, क्या सैटरडे संडे दोनों चाहिए ना सर? हाँ जी, एक ठीक है I1 डॉट वैल्यू और कॉमा इस पे दे दूंगा मैं DDD, तीन बार DD देने से क्या हुआ कि वो सैटरडे एंड संडे में कन्वर्ट हो, उसका वर्क जो सैटरडे संडे मंडे फ्राइडे जो भी है वो सब यहाँ आपको दिखेगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, I1 जो हमारा रेंज है जहां पे हमारा डेट है, हाँ यहाँ पे जो कि इसकी जो डेट है ना, तो डेट में इसको कन्वर्ट कर दिया वीक डे में, सैटरडे संडे मंडे जो होता है ना उसमें, ठीक है, और जिसका जो डीडी डाला इसलिए डाला, अगर इसका एक्सेल में अगर ऐसा करना होता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला, टेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे तीन बार डीडी डाला, बराबर, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे सैटरडेशन भी चेक करना है ना, तो यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि इफ आर इक्वल टू सैटरडे, यहाँ पे देखिए केस सेंसिटिव होता है भी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एस यहाँ पे सैटरडे, यहाँ सॉरी सैटरडे, और फिर मैं और देता हूं कि आर इक्वल टू संडे, संडे ऐसा हुआ तो रेंज यहां पे J1 पे इसकी वैल्यू पे लिखा आना चाहिए पिक एंड, ठीक है, ठीक है, तो और का इस्तेमाल कब कर रहे हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, एक से ज्यादा कंडीशन है वहां पे हम और का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन कंडीशंस रिक्वायर नहीं है क्योंकि
किसी भी कीमत में एक डेट सैटरडे या संडे दो हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, हाँ जी, ठीक है सर? हाँ जी, आए तो सैटरडे होगा या संडे होगा, राइट? हाँ जी, तो एंड और समझ गए? हाँ जी, विदाउट इसमें नहीं, कोई डाउट तो नहीं है सर इसमें? नहीं नहीं अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, हाँ, ये चीज तो कराई नहीं थी ना पहले आपको, मैंने बताया तो नहीं था ना? नहीं नहीं ये बताया नहीं था, तो ए आपका इफ एक नॉर्मल हो गया, हम जनरली इफ इस तरह से लिखते हैं, एल्स इफ बोला जाता है इसको, इफ एल्स माफ कीजिएगा, ठीक है, और ए हमारे पास जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन होता है तब लिखा जाता है, और जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन और कंडीशन रिक्वायर होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा यहां पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमारे पास कंडीशन एक से ज्यादा हो पर रिक्वायर ना हो तो उसके इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यूट्यूबर देखा किस तरीके से मैंने अभी क्लासेस दी मिस्टर अकवा आलम को, वो अपने घर से बैठ के मेरे साथ क्लासेस ले रहे थे, आप भी चाहो तो हमारी इस क्लासेस को ले सकते हो, इस क्लासेस को लेने के लिए बस आप मेरी वेबसाइट ibtindia.com पे जाएं और वहां पे डेमो क्लासेस का फॉर्म भरे, एक दो क्लास आप डेमो लेके देखें, अगर आपको समझ में आता है कि हाँ क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल है तो ज्वाइन प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, मेरी डीवीडी परचेज कर सकते हैं सारी मेरी वेबसाइट ibtindia पे जाए, अगर आपको इन फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए और मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, मैं आपको जरूर दूंगा, हो सकता है थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करूँ लेकिन रिस्पॉन्स जरूर करूंगा, और मुझे आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी अगर नहीं कर रखे हो तो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको मेरे वीडियोज का अपडेट मिलता रहेगा, आपको मेरी वीडियो खोजने नहीं पड़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा या फिर फोन करके बताइएगा। थैंक यू।